हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स किड्स केयर। चाइनीज कैलेंडर से कैसे प्रेडिक्ट करें बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा, क्या ये एक्यूरेट है? तो 100% तो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन चाइनीज कैलेंडर में मैंने देखा है 70% तक तो एक्यूरेट आ ही जाता है। मैंने निकाला था, मेरा बेबी गर्ल दिखाया था और मेरा बेबी गर्ल ही हुआ। तो अगर आप स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हैं, आपको फन करना है, एन्जॉयमेंट के लिए इसको करें तो ठीक है। अगर सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं बेबी बॉय ही चाहिए, बेबी गर्ल ही चाहिए, तो इसको ट्राई मत करें, क्योंकि ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक सही आता है, 70% तक तो सही आता है। तो गलती कहाँ होता है? जो पीरियड्स का डेट को ऐड करते हैं उसमें गलती आता है। तो चलिए एक्यूरेटली जानते हैं कि चाइनीज़ कैलेंडर से कैसे प्रेडिक्ट करें। तो चाइनीज़ कैलेंडर में लेफ्ट साइड में जो होता है वहाँ पर एज दिया रहता है, और एज 18 से 45 एज तक दिया गया है, और ऊपर के टेबल में रहता है आपका पीरियड का जो मंथ्स रहता है, तो वहाँ पे मंथ्स लिखा रहता है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है आपका जो लास्ट पीरियड जब आया था उसका मंथ्स और डेट एक्यूरेटली आपको याद रखना है। तो पहले बता देती हूँ, फिर मेरा डेट लेके मैं एग्जांपल से बताऊँगी। तो जो आपका पीरियड का मंथ्स है, डेट है, वो डेट में आपको ऐड करना है 14 ऐड करने के बाद जो डेट आता है और जो मंथ्स आता है, वही मंथ्स को आपको ऊपर से देखना है, और उस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम जब आप कंसीव किए थे उस टाइम आपका एज कितना था, तो एज के हिसाब से वो कॉलम में देखना है मंथ, उसके बाद बॉय है या गर्ल है, जो होगा वही आपका रिजल्ट। तो मेरा एग्जांपल लेती हूँ, मेरा एज था 29 एज जब मैंने कंसीव किया था, और मेरा पीरियड्स का लास्ट डेट था, लास्ट पीरियड आया था मेरा 19 मार्च को। तो अब 19 मार्च में ऐड किया 14, तो 14 ऐड करने से कितना हुआ 33। 33 मीन्स मंथ्स तो होता है आइदर 30 नहीं तो 31। आपने कभी 33 सुना है? नहीं सुना है। तो मंथ्स तो 30 दिन या 31 दिन ही होता है, और मार्च में आता है 31 दिन। तो 31 दिन के बाद और क्या बचा? 2। तो 31 के बाद हुआ अप्रैल 1 अप्रैल 2, तो 2 अप्रैल। तो मेरा 14 ऐड करने के बाद मेरा डेट हो गया 2 अप्रैल। तो अब चेक करते हैं, एज मेरा था 29 एज और अप्रैल, तो 29 एज में अप्रैल में क्या दिखा रहा है? तो 29 एज अप्रैल में दिखा रहा है गर्ल चाइल्ड, और मेरा गर्ल चाइल्ड हुआ था। सो फ्रेंड, अगर आप एक स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपका बॉय होगा या गर्ल होगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये अच्छा भी लगता है कैलकुलेट करने में, तो इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।